हेलो एवरीवन, ईएमआरएस की टीजीटी म्यूजिक की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है? तो आओ मेरे भाई, सबसे पहले मन में सवाल आएगा, सर एग्जाम तो हुआ नहीं, उससे पहले ही कट ऑफ बता दोगे? तो मेरे भाई एक चीज ध्यान से समझना, आपको पता है कि एक सिविल सर्विस की भी तैयारी करने वाला जो बंदा होता है वो भी पहले एनालिसिस करता है प्रीवियस कट ऑफ का, प्रीवियस सिलेबस का। तो अगर सिलेबस की बात करें और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसके बिल्कुल सिमिलर जो रिलेटेबल एग्जाम होता है वो होता है एनवीएस का, जो कि अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है, जिसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है इससे। अब इसमें हम इस वीडियो में एनवीएस की कट ऑफ को भी कंपेयर करेंगे कि एनवीएस की कट ऑफ क्या थी जिससे फाइनल नौकरी मिल गई थी, और ईएमआरएस में कितनी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है भाई, सबसे पहले तो भाई हम वैकेंसी का कंपैरिजन करने से पहले एक चीज देखते हैं कि भाई एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। ईएमआरएस के एग्जाम और एनवीएस का एग्जाम बिल्कुल सेम है। इनके एग्जाम पैटर्न में 150 नंबर का इनका एग्जाम होता है, उस 150 में से 120 मार्क्स में मेरिट लगती है, बाकी जो 30 नंबर होते हैं वो लैंग्वेज पोर्शन के होते हैं, वो क्वालिफाइंग होते हैं। उसमें बहुत ज्यादा एक स्ट्रिक्ट रूल होता है कि 40% का, जैसे तीन लैंग्वेजेस हैं उसमें, सबसे पहली लैंग्वेज मान लो इंग्लिश है आपकी, सेकंड हिंदी है, और तीसरी आपकी रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी या कोई और भी हो सकती है। अब उसमें आपको क्या करना होता है कि आपको 40% लेने होते हैं, दैट मींस आपको 10 में से 4 नंबर लेने हैं। अब डू रिमेंबर वन थिंग, दैट देर इज अ डिडक्शन ऑफ 1/4, दैट इज 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब इसका मतलब क्या है कि अगर 10 क्वेश्चन में से अगर आप 5 सही करते हो और 5 गलत करते हो तब भी आप फेल हो। तो इस वजह से ज्यादातर बच्चे फेल हो जाते हैं, और इसकी कट ऑफ कम होने का एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है। अब इसमें देखते हैं, 150 नंबर में से 30 नंबर की लैंग्वेज हमने साइड कर दी, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, और हर सेक्शन को क्वालिफाई करना है, जैसे इंग्लिश में भी लाने हैं, हिंदी में भी लाने हैं, और रीजनल लैंग्वेज में भी लाने हैं, किसी एक में भी नहीं ला पाए तो पेपर इवेलुएट नहीं होगा। अब बात करते हैं बाकी 120 नंबर की बाइफर्केशन को। 120 नंबर में सबसे पहले आपका 10 नंबर में रीजनिंग, फिर उसके बाद 10 नंबर में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद 10 नंबर में जर्नल अवेयरनेस, और फिर 10 नंबर में आईसीटी नॉलेज, जिसे कंप्यूटर की नॉलेज बोलते हैं। ये 40 नंबर हो गया। इसके बाद बचे 80 नंबर, 120 में से 40 ही हो गए, 80 अब बता रहा हूं। 80 में आपके 65 मार्क्स में डोमेन नॉलेज होती है, डोमेन नॉलेज मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो कि आपका म्यूजिक है। तो म्यूजिक का सिलेबस जो भी दे रखा है, एग्जाम सीबीएसई बनाता है तो वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहता है अपने उस सिलेबस पे ही, तो उसी के सराउंड घूमता रहता है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। 65 मार्क्स के बाद बचे 15 नंबर, उस 15 नंबर में आपका 5 नंबर में एनईपी 2020 से क्वेश्चन आता है, बाकी बचे 10 नंबर, उस 10 नंबर में आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड या पेडागोजी के जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। तो अब ये था भाई आपका 120 नंबर का, जिसमें मेरिट लगनी है। अब इस 120 नंबर से बात करने के बाद आगे चलते हैं, आपके एक बार वैकेंसी का कंपैरिजन करते हैं। देखो एक डिफरेंस है, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एनवीएस एंड ईएमआरएस, कि एनवीएस में आपका इंटरव्यू होता है, इसमें ईएमआरएस में आपका कोई इंटरव्यू नहीं है टीजीटी पीजीटी पोस्ट के लिए। तो आपका क्या है, डायरेक्टली मेरिट लगेगी, मेरिट लगने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, अब वैकेंसी का कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले एनवीएस में अनरिजर्व की 16 वैकेंसी थी, यहां पर 130 है, ईडब्ल्यूएस की 3 थी, यहां पर 32 है, ओबीसी की 8 थी, यहां पर 86 है, एससी की 4 थी, यहां पर 48 है, एसटी की 2 थी, यहां पर 24 थी। अगर पूरी देखें तो ओवरऑल एनवीएस में 33 वैकेंसी थी और ईएमआरएस में 320 वैकेंसी है। भाई 10 गुना वैकेंसी है, 10 गुना, तो ये एक अच्छा फैक्टर बनेगा कट ऑफ को नीचे लेके आने का। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं मेरे भाई, जब एनवीएस की फाइनल कट ऑफ आई, फाइनल कट ऑफ क्या थी इसमें, जिसमें आपकी रिटर्न की कट ऑफ भी होगी और उसके बाद आपका इंटरव्यू की भी कट ऑफ होगी, तो वो 100% में से कितनी थी? अनरिजर्व के लिए 76.88%, मतलब ये लास्ट कैंडिडेट वो है जिसको नौकरी मिल गई थी, उसकी कम से कम कितने नंबर थे, तो 76.88%, ईडब्ल्यूएस के लिए 75.73%, ओबीसी के लिए 72.51%, एससी के लिए 73.61% एंड एसटी के लिए 64.95% आउट ऑफ 100% में से बात हो रही है ये। अब इस सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए कि भाई वैकेंसी बढ़ रही है, लैंग्वेज में बच्चे फेल हो रहे हैं, भाई लैंग्वेज में सीरियसली फेल हो रहे हैं, आपको लगता होगा कि भाई ऐसा नहीं है, आप एक बार ना एग्जाम देखना, आप 120 में से बेशक 100 से ऊपर लिया ना, बट आपका पेपर इवेल्युएट नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस यू विल क्वालिफाई दैट ईच लैंग्वेज पोर्शन। अगर आपने किसी एक में भी फेल हो गए तो आपका पेपर इवेल्युएट नहीं होगा। इसमें बात करें एनवीएस में हाईएस्ट जो कट ऑफ थी, जो हाईएस्ट जो स्कोरर था
जिसको जो इसमें जिसने टॉप किया था उसके 83.96% थे आउट ऑफ 100%। ये कोई ऐसी बात नहीं है, NVS और KVS में बहुत एपटेक कंपनी ने कराया था, दैट वॉज ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड। मैं इनकी पर्सनली बात नहीं करूँगा, बट इन पेपर में धांधली हुई थी। अब NVS EMR ऑफलाइन होगा OMR बेस्ड, तो देर इज अ चांस कि नहीं हो ऐसा सच, ठीक है। अब बात करते हैं EMRs की क्या कट ऑफ रह सकती है, मैक्सिमम कितनी रह सकती है आउट ऑफ 120। आई एम टॉकिंग अबाउट 120 जिसमें से मेरिट लगती है। तो अनरिजर्व्ड के लिए आप 90 पे बहुत ज्यादा सेफ फील करेंगी, मैक्सिमम इतनी जाएगी 90। भाई वैकेंसी बढ़ रही है तो उस गुना वैकेंसी है। EWS के लिए 85, EWS एंड OBC की सेम 85, SC के लिए 80 एंड ST के लिए 75। तो अब इसमें देखो एक और बात थी कि जब NVS का 33 बच्चों का था तो उसमें 33 में 173 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, बस एक वैसे ही बता दिया। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू।